हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निबोस आईजीसी के बारे में और निबोस बोर्ड के बारे में कि निबोस बोर्ड क्या है और वो कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड करता है तथा निबोस आईजीसी करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए तथा उसकी तैयारी कैसे करें, निबोस आईजीसी में क्या क्या सिलेबस होता है और उसका फ़ी कितना रहता है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं निबोस बोर्ड क्या है। देखिए, निबोस बोर्ड जो है एक चैरिटी बेस्ड एजुकेशन बोर्ड है जो यूके बेस्ड है, यानी यूके का एक चैरिटी प्राइवेट चैरिटी बोर्ड है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स और डिग्री कोर्सेस भी यह करवाता है। तो यह कोई गवर्नमेंट के बोर्ड्स नहीं है, एक चैरिटी बोर्ड है जो वहाँ का यूके बेस्ड है और वहाँ से कई सारे कोर्स को हमें प्रोवाइड करता है। देखिए, इसका जो सबसे फेमस और पॉपुलर कोर्स है वो है निबोस आईजीसी। निबोस आईजीसी जो है वो निबोस बोर्ड का लेवल 3 का क्वालिफिकेशन है और यह गल्फ कंट्री में जाने के लिए आपको कई सारे कंपनीज को मैंडेटरी कर रखी हैं। तो अगर आपको गल्फ में सेफ्टी फील्ड में जॉब करना है तो आपको निबोस आईजीसी करना ज़रूरी हो जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है निबोस आईडीप मांग रही हैं, जो लेवल 6 का कोर्स है निबोस बोर्ड का। आईडीप मतलब होता है इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और आईजीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। यानी यह सर्टिफिकेट लेने के बाद आप गल्फ कंट्री में, अदर भी कई सारी कंट्री में आप जाके एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाके काम कर लें। आप जब निबोस आईजीसी कंप्लीट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो कुछ इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, जो सर्टिफिकेट होगा वो ऐसे ही मिलेगा। अब आगे देखिए, व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर निबोस आईजीसी, यानी हमें किन किन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है आईजीसी करने के लिए। तो देखिए, आईजीसी जो है एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहाँ तक कि आईजीसी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले भी आपको कोई आपके पास सेफ्टी का डिप्लोमा हो। आप बिना किसी सेफ्टी के डिग्री या डिप्लोमा के भी आईजीसी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 12th करके भी आप आईजीसी कोर्स कर सकते हैं, निबोस आईजीसी कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको इंग्लिश लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए ताकि जो आपका सिलेबस है वो आप पढ़ सकें और उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, आप उसको लिख सकें। तो आपको इंग्लिश लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार का किसी भी सेफ्टी कोर्स की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी निबोस आईजीसी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए, निबोस आईजीसी अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन करवा रहा है जिसमें आपका दो पेपर्स हो रहे हैं। पहला जो होता है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी का, जिसको आईजीसी 1 बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है निबोस का आईजीसी 2। ये आपका प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट होता है, और तीसरा आपका आता है क्लोजिंग इंटरव्यू। यानी आईजीसी 1 में आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैनेजमेंट्स है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और इसके टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। आईजीसी 2 में आपको प्रैक्टिकल जो भी आपका रिस्क असेसमेंट एक बना के सबमिट करना रहेगा, अब आपका नॉलेज के बेस पे उसको बनाया जाता है, और तीसरा आपका होता है क्लोजिंग इंटरव्यू। ये दोनों पेपर सबमिट करने के बाद से आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, और इसमें यह देखा जाता है कि आपने जो एग्ज़ाम लिखा है वो आप ही लिखे हैं या कोई और लिखा है। यानी जो आप आईजीसी 1 में लिखे रहेंगे उसी में से कुछ क्वेश्चन क्लोजिंग इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश होता है और इसका रिकॉर्डिंग रहता है। तो आप कहीं भी देख नहीं सकते, किसी गैजेट्स को यूज नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली आई टू आई कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन इंटरव्यू देना होता है। इसके बाद आपका आता है सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस में हम देखते हैं आईजीसी 1 का क्या क्या सिलेबस है। तो इसके टोटल 4 एलिमेंट होते हैं, जिसके पहले एलिमेंट्स में आपको पढ़ाया जाता है मोरल एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल रीजन एंड लीगल रीजन। दूसरा जो होता है वो पढ़ाया जाता है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा होता है कंट्रोलर ऑफ प्रमिसेस, और चौथा होता है कंट्रोलर मैनेजमेंट। एलिमेंट 2 में जो पढ़ाया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, टारगेट्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरा जो आपका होता है एलिमेंट 3 में जो पढ़ाया जाता है परमिट टू वर्क, वाई PTW यूज, व्हेन आर PTW सिस्टम रिक्वायर्ड, लिमिटेशन ऑफ PTW, इमरजेंसी प्रोसीजर, वाई इमरजेंसी प्रोसीजर नीड टू बी डेवलपमेंट, इंपोर्टेंट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इमरजेंसी प्रोसीजर, फैक्टर ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर एंड वाई इमरजेंसी प्रोसीजर नीड टू बी टेस्टेड एंड फर्स्ट एड असेसमेंट। ये सारे आपको एलिमेंट 3 में पढ़ाए जाते हैं। एलिमेंट 3 के बाद से जो आपके एलिमेंट 4 है उसमें आपको बताया जाता है एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग्स के बारे में, वर्क प्लस इंस्पेक्शंस के बारे में, लिमिटेशन डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में,
Why lesson need to be learned from advantage events, leading and lagging indicators in incident investigation, health and safety auditing, management safety review और occupational safety health performance review के बारे में आपको बताया जाता है elements 4 में। तो ये total आपके 4 elements है जो IGC 1 के होते हैं, ये headings हैं। एक एक टॉपिक को आपको डीप में पढ़ाया जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जब आप क्लास करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है ये सारा। इसके बाद आपका IGC 2 आता है। IGC 2 में आपका एक प्रैक्टिकली बेस्ड आपको रिस्क असेसमेंट बनाना होगा। अगर आप काम किए हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, काम नहीं किए हैं तो IGC 2 भी आपके इंस्टीट्यूट द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि इसको कैसे बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू में जो होता है ऑनलाइन इंटरव्यू, क्लोजिंग इंटरव्यू, इसमें आपको जो IGC 1 लिखे हैं उसी में से 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। उसमें बस ये दिखाया जाता है कि जो आप पेपर लिखे हैं आप ही लिखे हैं या कोई और लिखा है। उसके बाद से इसका जो फ़ी है, तो इंडिया में जो इसकी फ़ीस है वो कई सारे इंस्टीट्यूट 35,000 में करवा देते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो मैक्सिमम फ़ीस इसका 65,000 तक लेते हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, बस ये देखना होता है कि वो इंस्टीट्यूट निवोस का लर्नर पार्टनर है या नहीं। अगर उसके पास लर्नर पार्टनर नंबर है तो आप उस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग देगा, आपके कुछ बुक्स मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, उसके बेस पर आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। आप फर्स्ट बार में भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको समय दें और इसके क्लास अटेंड करें और क्लास ले लें तो। सर इसके और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और एक वैल्यूबल सेफ्टी फील्ड के लिए इसका सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यू है अगर आप गल्फ कंट्री में काम करना चाहते हैं तो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।